वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम बताते हैं कि सैनिटरी वर्क और ड्रेनेज में हम स्लोप कैसे देंगे। ठीक है, वो आप देख सकते हैं, ये हमने ड्राइंग बना रखी है टॉयलेट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉयलेट की बात करते हैं। टॉयलेट जो हमारा है वो है 26.24 फीट लंबे में टॉयलेट हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ये ट्रैप और ये जो पाइप गई है, ठीक है, यहाँ तक आएगी, तो इस वाले जीरो वाले लेवल से लेके यहाँ तक में कितना स्लोप आएगा, इसके बाद इस पॉइंट से यहाँ तक कितना स्लोप आएगा, और इसके बाद इस वाले पॉइंट से यहाँ पे कितना स्लोप आएगा, यहाँ से यहाँ कितना स्लोप आएगा, और यहाँ से इस जगह तक कितना स्लोप आना चाहिए, वो सब हम डिज़ाइन करेंगे। मेनली सेफ्टी टैंक तक हमारा स्लोप क्या आएगा, उसी हिसाब से हम अपना पूरा डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालें WC1 से WC5, मतलब पाँचवें WC तक का स्लोप जो है वो आएगा। पहले स्लोप किस अकॉर्डिंग देना है वो देख लीजिए। अगर पाइप हमारी 2.5 इंची के है या फिर उससे छोटी है तो 1/4 इंची पर फुट स्लोप हमें देना है। अगर 3 इंच से लेकर 6 इंची का पाइप है तो 1/8 इंच पर फुट हमें स्लोप देना है। 8 इंच या उससे बड़ी चौड़ी पाइप है तो 1/16 इंच पर फुट हमें स्लोप देना है। तो हमारी जो पाइप है 3 इंची से लेकर 4 इंची के बीच में ही है, तो हम 1/8 इंची पर फुट स्लोप दिए हैं। ठीक है, 26.24 हमारा फीट टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/8 इंच, तो आ गया 3.28 इंची पहला स्लोप। ठीक है, इसके बाद IC से लेके मेन होल तक जाने में 2 मीटर लेंथ है, तो वहाँ पे हमने निकाला 6.56 फीट आया, 2 मीटर को फीट में कन्वर्ट किया, तो 1/8 इंच से जब हमने डिवाइड किया ये है। ठीक है, ये जब इसको हमने डिवाइड किया WC5 से लेके IC तक जाने तक, ठीक है, पहले तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक आए, इसके बाद WC5 से लेके IC तक गए, तो हमारी टोटल लेंथ है 5 मीटर। 5 मीटर को जब फीट में हमने चेंज किया तो 16.4 फीट आया, तो 1/8 इंची जब किया तो हमारा आ गया 2.05 इंच आ गया मेरा स्लोप। तो हम क्या करेंगे, 3.28 में 2.05 ऐड कर देंगे, ये दोनों ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ देखनी है तो 2 मीटर है IC से लेके मैन होल, IC ये है IC चेंबर, यहाँ से लेके मैन होल की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, यानी 6.56 फीट। ठीक है, तो 6.56 फीट में से 1/8 इंच का डिवाइड करेंगे तो 0.82 इंच आ जाएगा। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसको प्लस 2.05 इसे प्लस, इसके बाद पहला वाला स्लोप प्लस, इतना करेंगे कैलकुलेट तो हमारा मैन होल तक का स्लोप पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैन होल से लेके सेफ्टी टैंक तक हमारी जो लेंथ है वो है, आप देख सकते हैं वो लेंथ है 5 मीटर। ठीक है, तो उसका भी फीट में अगर चेंज करेंगे तो 16.4 फीट आएगा, और 1/8 इंच से जब डिवाइड करेंगे तो 2.05 इंच आ जाएगा। अब जितनी भी हमने कैलकुलेशन की सबको ऐड कर देंगे तो हमें इस जगह से लेके यहाँ तक का स्लोप पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम ये तो WC का निकाल लिए, इसके बाद वाश बेसिन और बाथरूम का भी स्लोप इसी तरह निकलेगा, इसमें बस चेंजिंग यहीं तक रहेगी, GT तक हमें चेंज करना है, बाकी सब इसका स्लोप जैसे है वैसे है। ठीक है, 6.17 मीटर, 7 मीटर का हमने निकाल लिया WB2 बाथरूम। ठीक है, तो 1/8 इंच से डिवाइड किया तो 2.46 इंच आ गया। ठीक है, अब बाथरूम से लेके GT, मतलब इस जगह से लेके GT तक 1 मीटर है, तो 1 मीटर का हमने निकाल लिया 0.41 इंच आ गया। अभी दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ तक का स्लोप आ जाएगा। इसके बाद ये सब का स्लोप सेम सिमिलर ऐसे रहेगा, तो 2.46, 0.41 प्लस 0.82 प्लस 2.05, 0.82, ये सब ऐड करेंगे तो हमें टोटल स्लोप मिल जाएगा। अब स्लोप निकालना कैसे होता है वो देख लीजिए। जैसे ये है WC1, ठीक है, यहाँ पे हमने एक लेवल ले लिया वाल पे, वाल हमारा अगर सेक्शन वाल का बनाते हैं तो कुछ ये रहेगा, वाल का सेक्शन हमने बना दिया। ठीक है, ये वाल का सेक्शन मान लो बना लिया हमने, एक लेवल यहाँ ट्रांसफ़र किया, एक लेवल ये किया ट्रांसफ़र वाटर लेवल या फिर वाटर लेवल से। ठीक है, इसके बाद सपोज यहाँ पे हमने 1 मीटर पाइप ये हमारी जा रही है, पाइप का जो टॉप लेवल है 1 मीटर हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमें स्लोप देना है 2.5 इंची का, तो 1 मीटर 2.5 इंची या फिर 20 mm हमको स्लोप देना है सपोज। ठीक है, 20 mm सपोज देना है हमें, तो ये 1 मीटर रहेगा और यहाँ पे पाइप का टाइप टॉप जो हो जाएगा 1.02 मीटर। ठीक है, तो
तो इस तरह स्लोप हो जाएगा, इस तरह स्लोप देते हैं आप, ठीक है। लेकिन ये जो लेवल लेंगे ऊपर वाला वो सेम लेवल रहेगा, जो पाइप का टॉप लेवल रहेगा उसी में हम अपना इधर उधर करेंगे।